चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है WHO में फिर से शामिल हुआ अमेरिका। अमेरिका के नवनिर्मित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति के फैसले को पलटते हुए अमेरिका को 6 महीने बाद फिर से एक बार WHO का हिस्सा बना दिया है। ट्रंप ने WHO को कोरोना से निपटने में नाकाम बताते हुए उस पे चीन के नियंत्रण में होने का आरोप लगाया था और इसलिए खुद को WHO से अलग कर लिया था। जो बाइडेन के इस फैसले के बाद WHO को बड़ी राहत मिली है और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और मैन पावर सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अमेरिका ने WHO को छोड़ने का फैसला क्यों लिया था। ट्रंप सरकार ने 6 जुलाई 2020 को WHO से अलग होने का फैसला लिया था। अमेरिका सरकार ने WHO को दी जाने वाली सारी फंडिंग को रोक दिया था और अमेरिका WHO को सबसे ज़्यादा फंड देने वाला देश भी है। अपने इस फैसले के पीछे 3 कारण ट्रंप सरकार ने बताए थे। पहला कारण, कोरोना वायरस चीन के वुहान में फैला था और इस वायरस के फैलने की जानकारी पर WHO ने समय पर एक्शन नहीं लिया। दूसरा कारण, WHO पर यह आरोप है कि वो चीन के प्रभाव में काम करता है। और तीसरा कारण, WHO ने ट्रंप के उस फैसले की आलोचना कर दी थी जिसमें ट्रंप सरकार ने महामारी फैलने के बाद चीन से अमेरिका आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। ट्रंप के इस फैसले पर WHO का क्या पक्ष था? WHO के अधिकारियों ने ट्रैवल बैन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अमेरिका का इस तरह का रवैया मेडिकल सहायता में बाधा पहुंचा सकता है, लेकिन बाद में अधिकारियों ने सफाई दी कि उनका मतलब गलत निकाला गया और उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी की आलोचना नहीं की थी। पहले भी WHO के अधिकारियों पर चीन के प्रभाव में होने की आलोचना होती रही है। WHO की आलोचना इसलिए भी होती रही है कि इसके शीर्ष अधिकारियों ने पिछले साल जून में यानी कि 2020 जून में सार्वजनिक रूप से कोरोना पर चीन के उठाए गए कदमों की सराहना कर दी थी। WHO की आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि उसके शीर्ष अधिकारियों ने पिछले साल जून में यानी कि 2020 जून में सार्वजनिक रूप से कोरोना पर चीन के उठाए गए कदमों की सराहना कर दी थी। वहीं दूसरी ओर WHO के कुछ अधिकारियों ने चीन से कोरोना के खतरे की बात को छुपाने की चीन से जो शिकायत की थी उसे सार्वजनिक ना करते हुए निजी तौर पर किया। इससे WHO का विरोधाभासी रवैया सामने आया जिसकी भी कड़ी आलोचना की गई। अमेरिका के वर्तमान फैसले का WHO पर क्या असर होगा, आइए देखते हैं। WHO का सालाना बजट इस साल करीब 42.6 हजार करोड़ रुपए है। WHO के बजट में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका ही देता है जो कि WHO के कुल बजट का करीब 15% है। इसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है जो कि अमेरिका का करीब आधा है। वहीं तीसरे नंबर पर बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का नाम आता है। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो WHO को दी जाने वाली फंडिंग में चीन की हिस्सेदारी महज अमेरिका की फंडिंग का 10% है। इस पर बाइडेन से किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? अमेरिका फिर से हेल्थ सेक्टर में WHO के साथ काम करना चाहता है। उन्होंने WHO की फंडिंग फिर से शुरू करने का ऐलान भी किया है, साथ ही स्टाफ सपोर्ट देने और कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव मदद करने की बात भी कही है। अमेरिका ने WHO में कुछ ज़रूरी बदलाव करने की इच्छा जताई है। वे ज़रूरी बदलाव क्या होंगे ये बात अभी सामने नहीं आई है। अमेरिका का WHO के साथ जुड़ने का निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। WHO की इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी और उसके साथ ही पिछले कुछ सालों से WHO की जो आलोचना हो रही थी उससे भी उसे छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ। यूनाइटेड नेशन में शामिल 194 देश इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। इसका मूल सिद्धांत स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है। दुनिया के 150 देशों में इसके 7000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WHO की स्थापना दिवस को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस इस वक्त WHO के महासचिव हैं। चलिए अब देखते हैं कि WHO क्या काम करता है और कैसे काम करता है। यह हेल्थ एजेंसी दुनिया में होने वाले स्वास्थ्य खतरों पर नज़र रखती है, साथ ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और हर आदमी तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करती है। लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना इसका लक्ष्य है। कोरोना जैसी हेल्थ इमरजेंसी की पहचान करना, उसके खतरों को कम करना और उसे रोकने का प्रयास करना WHO के काम में आता है। हेल्थ इमरजेंसी की पहचान करके दुनिया को इससे आगाह करना भी इसका काम है। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कथनों में से असत्य कथन है। विकल्प ए, UN में शामिल 194 देश इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। विकल्प बी, इसका मूल सिद्धांत स्वास्थ्य एक मानवाधिकार है। विकल्प सी, दुनिया के 150 देशों में इसके 700 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। विकल्प डी, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि कथन एक और दो दोनों ही सत्य हैं। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।